जय श्री राम। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह माने जाने वाले बुध देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। 31 मई 2024 के दिन बुध अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही उसी राशि के मालिक शुक्र विराजमान होंगे, गुरु भी वहीं विराजमान है। यानी अब वृषभ राशि के अंदर बुध का गोचर दो अन्य ग्रह शुक्र और गुरु के प्रभाव से जुड़कर फल देगा। अब ये तीनों ग्रह जहाँ भी किसी भी कुंडली के अंदर या गोचर में एक साथ होते हैं, खास तौर पर केंद्र त्रिकोण पे होते हैं, तो इनके फल बहुत बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही नेचुरल यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। और नैसर्गिक शुभ ग्रह का संबंध जब किसी भाव से बनता है या वो किसी भाव को देखते हैं, पूर्ण दृष्टि देते हैं, तो वो भाव फलित हो जाते हैं। ऐसे ही तीनों नैसर्गिक ग्रह मिलकर शास्त्रों में इनको अलग अलग तरीके से बताया गया है। कोई इसको सरस्वती योग कहता है, कोई इसको कलानिधि योग कहता है, तो कुछ शास्त्रों में इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा गया। अब यहाँ पर बुध ग्रह लगभग 31 मई से लेकर लगभग लगभग 14 या 15 जून तक राशि गोचर करेंगे। भले ही ये राशि गोचर का समय छोटे समय का होगा, लेकिन कहते हैं ना, जीवन में तकदीर बदलने के लिए या किस्मत बदलने के लिए एक ही दिन या कुछ पल ही काफ़ी हैं कि उस दौरान मेरा ये काम हुआ और मुझे जीवन में मिल गया, या मैंने सालों साल मेहनत की और मुझे एक दिन रिजल्ट मिला। इसका मतलब उस दौरान आपके ग्रह गोचर आपके फेवर में है, इसलिए आपको वो एक दिन रिजल्ट मिला। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि पर बुध ग्रह के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वह शुक्र और गुरु के साथ वृषभ राशि में आएंगे। बुध ग्रह, जिनको हम लिक्विडिटी का, व्यापार का कारक कहते हैं, और वृषभ राशि, जो कि एक अर्थ त्रिकोणीय राशि है, जिसको हम काल पुरुष यानी मेष लगन से दूसरे भाव से भी देखते हैं, यानी कहीं ना कहीं बुध का एक संबंध धन के भाव से बनता है। शुक्र स्वराशि के होंगे, धन के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, और गुरु उसके साथ हैं, प्योर धन के कारक होंगे, इसलिए बुध ग्रह यहाँ धनी हो गए हैं। इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि बुध हुए हैं धनी। अब ये ग्रह आपकी राशि से कितना हद तक बेहतर है, उसकी पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनकी कुंडली के अंदर, वृषभ राशि के अंदर कोई भी ग्रह बैठे हैं, क्योंकि बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा, या वृषभ राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कृतिका, रोहिणी और मृक्षिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा, उन कक्षाओं में गोचर करेगा, उन नक्षत्रों में गोचर करेगा। साथ ही साथ बुध ग्रह से संबंधित दशा अगर आपको चल रही है, तो भी आपके लिए ये अन्य राशियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। अब शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, शिक्षा से, क्रीड़ा स्थल स्पोर्ट्स से, आपकी बोलचाल से, आपकी याददाश्त से, आपकी भाषण शैली से, डिबेट करने की शक्ति, बोलने की कला, वाणिज्य, अकाउंटेंसी, जो लोग सीए होते हैं या जहाँ पर बोलने का बहुत ज़्यादा काम होता है, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप लोगों को समझाने का काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में काम करते हैं, या आप पूर्ण रूप से व्यापारी हैं और आपके अंडर में लोग काम करते हैं, इन सब का कारक होता है बुध। तो इन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव इस बुध ग्रह का हो जाता है। अब हम इसको जानेंगे कि आपकी राशि पर ये जो बुध ग्रह आए हैं, ये अब दो अन्य ग्रहों के साथ मिलकर आपको आने वाले समय में क्या देने वाले हैं, क्या लाभ हैं, क्या सावधानियाँ हैं, कौन सी चीज़ों को जानकर आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसको हम विस्तार से अब जानते हैं। अब देखते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में क्या फल लेने वाला, और मैं पहले भी बहुत कुछ बता चुका हूँ कुंभ के लिए, कि भाई कुंभ राशि को मैं बार बार देख रहा हूँ, ये वो एकमात्र ऐसी राशि है जो कहीं ना कहीं गोचर के सबसे अच्छे फल लेकर बैठी है। अब जिन जिन लोगों को बहुत अच्छी दशाएँ भी चल रही हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बुध के बारे में हम बात कर रहे हैं। बुध ग्रह आपकी पंचम भाव यानी लक्ष्मी त्रिकोण भाव का मालिक है। ये पांचवा घर शिक्षा, विद्या, बुद्धि, निर्णय, सोच, विचार, स्टॉक मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, सब पंचम भाव से आता है। उसका मालिक त्रिकोण में यहाँ बैठ गया, यानी इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, तो इन सब में बढ़ोतरी का संकेत है बुध ग्रह की वजह से। ये बुध ग्रह पंचमेश होकर बैठे हुए हैं चौथे भाव के अंदर, यानी कहीं ना कहीं पांचवा घर पूर्ण रूप से बली है, और जो जितने भी कारक मैंने पांचवे घर के बताए हैं वो बली, जितने भी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बुध के कारक बताए हैं वो सभी बली। अब शुक्र और गुरु पहले से ही यहाँ मौजूद है। इसको शास्त्र कहता है, सबसे पहले इसको आप समझिए कि ये एक लक्ष्मी नारायण योग है।
कि भी धन योगों में सबसे बेहतर धन योग कौन से होते हैं। शास्त्र कहता है जब दूसरे, पांचवे, नौवे और ग्यारहवें के मालिक किसी भी कुंडली में या गोचर में एक साथ केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो ये महाधन योग की कैटेगरी में आके खड़ा हो जाता है। दूसरे घर का मालिक, ग्यारहवें घर का मालिक गुरु, पंचम का मालिक बुध और नवम का मालिक शुक्र। अब आप देख लीजिए वो प्रिंसिपल जो हमने आपको बताया था वो यहाँ लागू होता है। अगर किसी की कुंडली में ये योग बना हुआ मिल जाए तो आप समझ लीजिए जीवन पर्यंत ऐसे लोगों को धन के आगमन मिलते रहते हैं। वही एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन जब आपके फोर्थ हाउस में बन रहा है तो चौथा भाव बलि हो रहा है। चौथा भाव बलि है तो अगर कोई भी मन में इच्छा है भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी की, कोई भी ऐसी इच्छा है सुख साधनों को एकत्रित करने की, तो वो यहाँ पूर्ति होती दिखाई दे। वहीं फोर्थ हाउस के अंदर ये योग बनता है तो ये धन योग है। ये कॉम्बिनेशन जब तक बनेगा तब तक आपको पैसे की कमी नहीं होने देगा। आपको अचानक से पैसा देगा, आपकी जिन चीज़ों की जरूरत है उनकी पूर्ति होगी। नौकरी देने में सक्षम है, नई नौकरी मिल सकती है। अगर प्रयास ये चल रहे हैं कि मेरी नौकरी नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ, नौकरी मिलेगी, प्रमोशंस होंगे, तरक्की होंगी, व्यापार वृद्धि होंगी, नया काम मिलेगा और उसमें बेहतरी होगी। क्योंकि शुक्र चौथे घर का और नौवे का दोनों का मालिक है, गुरु दोनों धन भाव का मालिक है, बुध पंचमेश है, तो इससे ज़्यादा बेहतर योग होगा क्या? उसकी कितनी भी तारीफ करी जाए उस योग की वो कम है। यानी जीवन में हर व्यक्ति विशेष कुछ ना कुछ प्राप्ति की इच्छा रखता। मैं पढ़ रहा हूँ मेरा रिजल्ट अच्छा आए, मैं नौकरी कर रहा हूँ मुझे और अच्छी नौकरी मिले, मुझे उसी नौकरी में तरक्की मिले, मैं व्यापार कर रहा हूँ मेरा व्यापार बढ़ जाए, नया काम मिल जाए, नए टेंडर मिल जाए, तो ये कहाँ से आते हैं? पहले योग तो बनने चाहिए इस तरीके के, और वो योग यहाँ बन रहे हैं। और जब बन रहे हैं तो फिर किसी बात की कोई समस्या नहीं है। मेरे हिसाब से ये योग आपके लिए बेहद खास है, बेहद शुभ है। आपके लिए आने वाले समय में बहुत अच्छी स्थिति दिखती है। जब गोचर शुभ होता है तो कुछ ना कुछ शुभ अवश्य होता है आपके जीवन में। यानी कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों के लिए ये काफ़ी शुभ स्थिति दिखती है। जय श्री राम।